अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम देखने वालों, तमाम सुनने वालों और तमाम सब्सक्राइबर्स को अल्लाह पाक दोनों जहानों में कामयाबियां अता फरमाए। अल्लाह पाक तमाम की उम्र रिजक में बरकतें अता फरमाए और अल्लाह पाक मालो जान में बरकतें और अजमतें अता फरमाए और अल्लाह पाक हर काम के अंदर, हर जायज काम के अंदर कामयाबी अता फरमाए। हमारी आज की वीडियो हमारे जो मरहूमीन हैं, जो इस दुनिया से चले गए, उनके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब बख्शिश और मगफरत फरमाए। प्यारे मेहरबान, एक बात ज़हन में रखें कि एक दिन हम भी इसी तरह पड़े हुए होंगे इस मिट्टी के ढेर के नीचे, तो क्यों ना अभी से हम अपना तैयारी कर लें कि हमने भी कब्र के अंदर जाना है। उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले सच्चे दिल से तौबा करें कि या अल्लाह पाक तू हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। और अभी हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं कि ऐसे हर एक गुनाह से तौबा करते हैं और आगे हर एक गुनाह से बचने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करनी भी है। और याद रखें, जब इंसान गुनाह से बचता है, गुनाह से बचने की कोशिश करता है, तो अल्लाह पाक भी उसकी मदद फरमाता है और इंसान गुनाहों से बच जाता है और नेकी की तरफ आ जाता है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक जो हमारे मुसलमान भाई बहन, अजीज़ो अकारब, रिश्तेदार, उम्मत के तमाम मुसलमान जो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक तमाम की कब्रों को जन्नत का बाग बनाए, तमाम की कब्रों को रोशन और मुनव्वर फरमाए, तमाम की अल्लाह पाक बेहिसाब बख्शिश और मगफरत फरमाए। अल्लाह पाक तमाम की कब्रों को वुसअत अता फरमाए और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरब नसीब फरमाए। अल्लाह पाक तमाम मरहूमीन की बेहिसाब बख्शिश फरमाए। अल्लाह पाक उन सब को बख्श दे जो हमसे पहले दुनिया से चले गए, और क़यामत तक जितने भी मुसलमान आएंगे, या अल्लाह पाक उन सब की बख्शिश और मगफरत फरमाना। सब तेरी ही बख्शिश के मोहताज हैं। या अल्लाह पाक जो हमसे पहले चले गए, जो इस वक्त इस मिट्टी के ढेर के नीचे पड़े हैं, या अल्लाह पाक हम सब और जो दुनिया से चले गए, ये भी और जो क़यामत तक आएंगे, या अल्लाह पाक सब ये तेरी रहमत के मोहताज हैं। या अल्लाह पाक इन सब पर अपना ख़ास करम, अपना ख़ास फजल फरमा और अपनी बेपनाह वसी रहमत से सब की बख्शिश और मगफरत फरमा। या अल्लाह पाक सब तेरी बख्शिश के मोहताज हैं। या अल्लाह पाक हम सब की बख्शिश और मगफरत फरमा। तू हमारा अजीम परवरदिगार है, ऐ मालिके कुद्दूस, ऐ प्यारे गफूर रहीम, ऐ प्यारे अजीम परवरदिगार, और कौन है जिसे हम बख्शिश तलब कर सके। तू ही हम सब का परवरदिगार है, तू एक है, तू अकेला है। ऐ मालिके कुद्दूस, हम तुझी से मदद मांगते हैं, तुझी से ही बख्शिश तलब करते हैं, तुझी से ही सवाल करते हैं। या अल्लाह पाक हमारे तमाम मरहूमीन की बेहिसाब बख्शिश और मगफरत फरमा, और या अल्लाह पाक हमें भी नेकी के काम करने की तौफीक अता फरमा। और या अल्लाह पाक जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारी जुबान पर कलमा शहादत का विर्द हो, ईमान की मौत नसीब फरमाना। या अल्लाह पाक जब हम दुनिया से जा रहे हो तो कर्ज से भी पाक हो, हकूक लिबाद वाले संगीन जो मसाइल हैं उनसे भी हम पाक हो, गुनाहों से भी पाक हो। या अल्लाह पाक तो हमसे राजी होना उस वक्त, और कब्र के अंदर प्यारे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान नसीब फरमाना। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन, वसल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ी मुहम्मद।